संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मोलाचं योगदान देणारे नगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र कॉम्रेड दत्ता देशमुख यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त संगमनेरमध्ये मालपाणी लॉन्स इथं कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी व्यासपीठावर माजी महसूल मंत्री आणि कॉम्रेड दत्ता देशमुख जन्मशताब्दी सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार डॉ सुधीर तांबे, कॉम्रेड भालचंद्र कॉंगो, कॉम्रेड एम व्ही जोगळेकर, कॉम्रेड मिलिंद रानडे, मोहन देशमुख आदी उपस्थित होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मोलाचं योगदान देणारे नगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र कॉम्रेड दत्ता देशमुख यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त संगमनेरात मालपाणी लॉन्स येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले, दिशाहीन तरुणांना दिशा देण्याचं काम करत आहेत. दत्ता देशमुख यांनी डाव्या विचारांना ताकद देण्याचं काम केलंय. सत्ता कुणाचीही येवो, मात्र त्यावर धाक असला पाहिजे. कुणी मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला विरोध केला पाहिजे. आज कॉम्रेड कन्हैयाकुमार आपल्यामध्ये आले. मी एक सांगेल की आपल्या राज्य घटनेनं आपल्याला खूप दिलं. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेली राज्य घटना एक आदर्श राज्य घटना आहे. म्हणून आज आपण पाहतो लोकशाही, आपली लोकशाहीमध्ये आपण जीवन जगतो. आपल्याला जितके धर्मग्रंथ आपल्याला आदरणीय आहे, तेवढी राज्य घटना सुद्धा आपल्याला आदरणीय आहे, हे सुद्धा मला या निमित्ताने सांगितलं. राज्य घटनेचं पसायदान, राज्य घटनेची नांदी जी आहे, प्रियांबल जे आहे, ते पसायदाना इतकंच आदरणीय आपल्या सर्वांना आहे. कारण त्या ज्या राज्य घटनेनं आपल्याला संचार स्वातंत्र्य दिलं, भाषण स्वातंत्र्य दिलं, मतदानाचा अधिकार आपल्याला दिला, समाजवादी समाज रचना हे सुद्धा आपल्या राज्य घटनेनं आपल्याला दिलं, त्या नांदीमध्ये ते लिहिलेलं आहे आणि तिला जपणं हे काम आपल्या सर्वांचं आहे. मला असं वाटतं की तरुणांमध्ये आजची खरी गरज निर्माण झाली आहे की आपल्या राज्य घटनेत जे तत्व दिलेलं आहे त्याला जपणं आणि त्या रक्षणाकरता उभं राहणं, त्याला मोडण्याचा प्रयत्न कुठं होत असेल तर भक्कमपणे त्याचा प्रतिरोध करणं ही जबाबदारी आपल्या सगळ्या तरुणांची आहे असं मी मानतो. आणि म्हणूनच कन्हैयाकुमार यांचं महत्व या करता आहे की तरुणांचं एक आकर्षण त्यामध्ये निर्माण करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये आहे. कन्हैयाकुमार म्हणाले, सर्वसामान्यांबद्दल या सरकारला कळवळा राहिला नाहीये. तरुण बेरोजगार दिशाहीन झालाय. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. जनतेच्या प्रश्नांचा विचार होत नाहीये. ज्या मुद्द्यावर काँग्रेसला जनतेनं हटविलं होतं तो मुद्दा आज बाजूला ठेवण्यात आलाय. जनता आपल्या प्रश्नांपासून बाजूला गेली आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. विविधतेने नटलेल्या देशाला संकुचित करण्याचा प्रयत्न करू नका. चहा विकणारे आता देश विकायला निघाले आहेत. या नकली हिंदू भक्तांना पराजित करण्याचा संकल्प करा. आज भगवा रंग कुणी खराब करत असेल तर हीच नेते मंडळी आहेत. विकासाची स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी जनतेचा अंत पाहू नये. आता संघर्ष अटळ आहे असा इशारा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार यांनी दिलाय. जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं वो कामगार और किसानों के नेता थे. आज भी ये 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं. यह पूरा का पूरा शताब्दी वर्ष है कॉम्रेड दत्ता देशमुख जी का. लेकिन इस पूरे के पूरे समय में मजदूरों की हालत कितनी सुधरी है, ये दोनों सवाल पे हमको विचार करने की जरूरत है. और हिंदुस्तान जैसे देश में धर्म का सवाल और रोटी का सवाल, इसको बहुत बखूबी समझने की जरूरत है. कई बार ऐसा होता है, अभी जब आप लोग गीत गा रहे थे तो मैं इप्टा में काम किया है मैंने, और मैं भी गीत गाया करता था, तो मुझे एक गाना बरबस जो है याद आ गया. जब रोटी की बात हुई उसमें कहा जाता था कि उस गाने में, जब तक रोटी के प्रश्नों पे रखा रहेगा भारी पत्थर, कोई मत ख्वाब सजाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी जो आना तुम. आज आप देखिए कि देश के अंदर कैसी परिस्थिति पैदा हुई है और उस परिस्थिति पर कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं. जो कुछ मुट्ठी भर लोग बोल पा रहे हैं, या तो उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, या फिर कॉम्रेड गोविंद पानसारे, दाभोलकर, गौरी लंकेश, गुलबर्गी और ना जाने वो कितने नाम जो कभी न्यूज का हेडलाइन नहीं बन पाए, इनकी हत्या कर दी जा रही है. ऑडियंस में बैठे हुए हैं
उन्होंने पूछा कि आप कितने साल से जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं। यह सवाल जरूरी हो सकता है आपके लिए, मैं इस सवाल का जवाब भी आपको दे दूंगा, लेकिन क्या इस देश के लिए राष्ट्रीय प्रश्न यही है कि कन्हैया कुमार कितने साल से पीएचडी कर रहा है? क्या इस देश का राष्ट्रीय सवाल यही है कि जेएनयू में नारा लगा कि नहीं लगा? क्या इस देश का राष्ट्रीय सवाल यही है कि अफजल गुरु देशभक्त था कि आतंकवादी था? क्या इस देश का राष्ट्रीय सवाल यही है कि ताजमहल ताजमहल है कि तेजू महल है? क्या इस देश का राष्ट्रीय सवाल यही है कि महाराणा प्रताप मुगलों को हराए थे कि मुगलों से जीते थे? ये सवाल अपने मन से पूछिएगा। मैं समझता हूं यह राष्ट्रीय सवाल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सवाल और राष्ट्रवाद का सवाल यदि उसमें आम जनता शामिल नहीं है तो वो देश का सवाल नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, वो राजनीतिक सवाल है। क्या बड़े पैमाने पे मजदूर जो है वो पलायन किए, हम आपके पास भी आते हैं और भैया जी के नाम पे कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं, हमारे ऊपर पत्थर चलाते हैं, डंडा मारते हैं, कहते हैं कि ये मुंबई में आकर के गंदगी फैला रहे हैं। बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारे, उसमें महाराष्ट्र और बिहार शामिल नहीं है क्या? ये सवाल सोचने का है कि किसको आपस में लड़ाया जा रहा है, किसको किसके साथ भिड़ाया जा रहा है, और किसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बंद की जा रही है, किसके रोजगार छीने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका देश कौन बर्बाद कर रहा है। आपका देश वो बर्बाद कर रहा है जो करोड़ों रुपया अपने चुनाव प्रचार में खर्च करता है, उरण कठोला लेकर के आपके सर के ऊपर उड़ता है, और जब जीत करके आता है तो पहली नीति क्या बनाता है? नीति ये बनाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी के द्वारा कितना भी चंदा दिया जा सकता है, और इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस देश की आम जनता को यदि भात खाना है तो उसको आधार कार्ड जरूरी है, यहां तक कि माननीय गाय माता का भी आधार कार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और उस चंदा को प्राप्त करने के लिए उसको कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, और यह कानून इस देश की राष्ट्रवादी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार लेकर के आई है। कॉम्रेड दत्ता देशमुख कला मंचाच्या वतीने गीत गायन झालं। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीनिवास पगडाल, नंदकुमार सुर्वे यांनी केलं। उपस्थितांचे आभार कॉम्रेड मोहन देशमुख यांनी मानले। पोलिसांनी या प्रसंगी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता। प्रतिनिधी नितीन शेळके, संगमनेर।